इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं वृंदावन में? जोर से बोलो, और जोर से। वृंदावन में श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? कारण है राधा जी की कृपा से श्री श्याम सुंदर प्राप्त होते हैं। इसलिए बोलते ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी बिहारी। राधा जी का नाम लेते ही बिहारी अपने आप आपको पीछे पीछे डोलते रहेंगे बिहारी श्री। इसलिए जुगल की उपासना हमें करनी चाहिए। इसलिए पहला श्लोक में ध्यान बताया, ध्यान मतलब जुगल की ध्यान करो। दूसरे श्लोक में बोले भागवत प्रतिज्ञा का संबंध लेते, बोले भैया अभिधय तत्व को वर्णना किया। अभिधय मतलब होता है भगवान को पाने का उपाय क्या है, ठाकुर जी कैसे हमें मिल सकते हैं। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, मतलब केवल भागवत कथा से ही ठाकुर मिलेंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो केवल कथा सुनो। ये कथा सुनते सुनते अपने आप ठाकुर के चरण में तुम पहुंच जाओगे, तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोकर्ण ने जब कथा सुनाए, जितने कथा सुन रहे थे, कथा विश्राम होते ही सभी के लिए एक एक रथ आया, सबके सब रथ में बैठी करके भगवत धाम को गमन किए। इसलिए भागवत कथा की इतने महिमा, बोले सद्य हृदय अवरुद्ध थे कृति भी सुश्रुश्रु भी तत्क्षणात्। अगर ये भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र कोई रखे, जैसे कथा हो रही है अभी, कथा में नहीं आए हो अभी, तुम बैठे हुए अपना घर में बैठे हुए, लेकिन पता चला यहाँ कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए भैया मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसके हृदय में ऐसे आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी बंध जाते हैं, उनके हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से। भैया अगर कोई सचमुच से कथा में आकर बैठ जाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते जो आकर कथा में बैठ गए कथा में। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं? बोले सुश्रु सुभी, बोले सब कथा नहीं सुन सकते, करोड़ों जन्म का पुण्य जब उदय हो तभी कोई कथा सुन सकते हैं। अगर कोई प्रश्न करे भैया हम तो पापी से पापी, जैसे धुंधुकारी ने इतना पाप किया था, मैं तो पापी से पापी हूँ, क्या कथा नहीं सुन सकता? बोले नहीं, केवल आओ कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते 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 अपने आप पुण्यात्मा बन जाओगे। अपने आप कथा सुनते सुनते धुंधुकारी जैसे व्यक्ति अगर उसको उद्धार हो सकता है, हमारी क्या उद्धार नहीं होगी? इसलिए बोले सुश्रुभी, इसलिए केवल भगवत प्राप्ति के उपाय श्री ये भागवत है। बोले तीसरा जो मंगलाचरण है कतियो आशीर्वाद बा प्रयोजन। प्रयोजन मतलब हम भागवत कथा सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें ये भागवत कथा क्या देने वाले हैं? बोले हम भागवत नहीं सुन रहे हैं, ये कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हुए। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या? बोले जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा तुम्हें। हाँ देखो सावधान होकर सुनो, कहते जो मांगोगे तो वही मिलेगा। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में एक गैया थी, उसने धन कुबेर की उपासना की, कुबेर जी संतुष्ट हो गए, बोले बेटा कुछ मांगो। बेचारा गरीब था, पास में की गैया थी, बोले गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। बोले पागल, अरे मैं धन कुबेर हूँ, सारे पैसा की भंडारा मेरे पास में, इतने तेरे को धन दौलत दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटा भी खा, तेरे बेटे बेटे भी खाएगा तभी समाप्त नहीं होगा। और कुबेर को पास में आकर के तू मांग रहे हो गैया को खाने के खाने पीने के लिए भूसा। हाँ देखो इसका मतलब है अगर हम भागवत कथा से जो मांगेंगे तो भागवत हमें वही दे देगा। अगर बोले कि भाई बेटा नहीं हो रहे बेटा, तो भागवत बेटा दे देगा। बोले घर दुकान वकान नहीं करा तो बोले दे देगा। बोले नौकरी चाकरी नहीं, नौकरी चाकरी दे देगा। जो मांगोगे वही मिल जाएगी, लेकिन तो मिल जाएगी। जैसे गरीब ब्राह्मण ने गैया के लिए थोड़ा चुना बसी मांग लिया ना, ऐसे चुना बसी मांग लिया समझो। ऐसे एक चीज मांगो भागवत से
जो एक चीज मांगो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। इसी जीवन में तो आनंद आनंद ही रहोगे, उसको बाद में तो चिरकाल के लिए मुक्त होकर के परमानंद में डूब जाओगे, ठाकुर को पास में चले जाओगे। कहते वो क्या चीज है, बोले भगवान की भक्ति, ठाकुर जी के चरण की सेवा मांगो। जो एक चीज मांगो जीवन में सब कुछ मिल जाएगी। इसलिए भगवान राम जब हनुमान जी को बोले, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना ये सीता की उद्धार नहीं होता, तेरी वजह से सीता की उद्धार हुई। आज तू मेरे को जो कुछ मांगोगे मैं आज प्रसन्न हूँ, सब कुछ तेरे को दे दूंगा, बेटा मांगो क्या चाहते हो। इसलिए हनुमान जी से सीख लो, बोले बार बार बर मागो हरसी देहु श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। ठाकुर जी अगर देना चाहते हो हमें एक चीज दो, आपकी चरण की अनुपायनी, अनुपायनी मतलब निष्काम, निष्काम चरण की सेवा दो और संतों की हमें संग प्रदान करो, यही चीज हमें प्रदान करो। इतने में भगवान राम प्रसन्न हो गए। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो? अब देखना जिस समय भगवान राम हनुमान के सर पर हाथ रख रहे हैं, कैलाश में दिखाया शंकर जी को, शंकर पार्वती को, शंकर जी इतने गदगद हो रहे थे, शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे, बोले पार्वती देखो ठाकुर जी कैसे मेरे सर पर कैसे हाथ रखे। हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर जी स्वयं हनुमान बन करके आए प्रभु की सेवकाई करने के लिए। शंकर जैसे व्यक्ति प्रभु की भक्ति पाकर उनका हृदय प्रेम में गदगद हो गया, आज हमें ठाकुर जी की भक्ति मिली। इसलिए शंकर जी को देखना कहीं भी मूर्ति देखोगे शंकर जी ध्यान में बैठे हुए होंगे। और शंकर जी क्या करते हैं, बोले महामंत्र जय जप त महेशा काशी मुख तीह तो उपदेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, इसलिए शंकर जी पंचमुख में दिन भर ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। और हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले सुमेरे पवन सुत पावनना मो आप न बस करे राखे राम। इसलिए पवन सुत हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, बोले सुमरी पवन सुत पावन नामो, केवल भगवान की पवित्र नाम को जप करते रहते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवत प्रेम ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये घोर कलयुग आया है, ये कलयुग से डर करके सौनकाद ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलयुग से मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले चिंता मत करो, मैं एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पड़े गिरे समझना पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करना। वो चक्र गिरा जा करके नैमिषारण्य में, वहीं पर सौनकाद ऋषि लोग हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये यज्ञ करते 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 उनकी सारे दाढ़ी सारे मोच उनके सारे केस जल गया, हृदय तक भी जल गई, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी आए। कौन आए? बोले श्री सुत गोस्वामी। इनका नाम उग्र सभा सुत है, इनका नाम उग्र सभा सुत, ये सुत गोस्वामी आए हैं। कहते ये पुत्र किसके हैं, हैं? कहते लोमर ऋषि के ये पुत्र है। बोले एक समय क्या हुआ, श्री बलदेव प्रभु कभी आए, आए तो वहां पर लोमर ऋषि बैठ करके पुराण की कथा सुना रहे थे। जब बलदेव प्रभु तीर्थ भ्रमण करते करते आए, उनको देख करके उन्होंने आदर नहीं किया, बोले आए बैठ जाएंगे, आए बैठ जाएंगे। लेकिन बलदेव प्रभु ने देखा, बलदेव प्रभु कौन है, ये साक्षात श्री शंकर सन, ये सारे गुरु तत्व का मूल श्री बलदेव प्रभु, जिसने अपना फण को ऊपर में
ये विश्व ब्रह्मांड को जो धारण करके रखे। जब उन्होंने आए, बोले आए बैठ जाएगी कोई बात नहीं, मैं तो पुराण का पाठ कर रहा हूँ। देखो जब कोई पाठ हो रही है, अगर कोई बड़े संत कोई आ जाए ना, बड़े साधु आ जाए, क्या करनी चाहिए? जा करके उनको स्वागत करके फिर उनको सम्मान करनी चाहिए, नियम है। लेकिन श्री बलदेव प्रभु ने देखा, हाँ ये पुराण तो पाठ कर रहे हो, लगता है तुमने किसी शुद्ध साधु की अनुगत्य में तुमने ये कथा नहीं कर रहे हो, तुमको ये पता नहीं कोई साधु आए सबसे पहले साधु को प्रणाम। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाऊं, उसके बाद में बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। अगर कृष्ण अगर गुरु जी खड़े हुए तो पहले किसकी प्रणाम करे? पहले गुरु जी की प्रणाम करो, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इतने में जब उन्होंने गुरु जी को सम्मान नहीं किए, इतने बलदेव प्रभु उठाया एक घास और उनके सर को उन्होंने कलम कर दिया। सब ऋषि लोग हाहाकार करने लगे, बोले अभी हम पुराण किससे सुनेंगे? बोले चिंता मत करो, उनका छोटा बेटा था श्री उग्र सभा सुत, उनके सर पर हाथ रखते ही सारे तत्व ज्ञान वेद पुराण सबके सब स्फूर्ति होने लग गया। और 5 साल का बच्चे को उन्होंने ब्यास गद्दी पर बैठा दिया और उन्होंने धड़ाधड़ सारे पुराण को उन्होंने सुनाना शुरू कर दिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे, ये सुत गोस्वामी ये सबसे पीछे बैठे हुए थे। और ये सुत मतलब क्या? बोले छोटे जाति के होते हैं, जो रथ चलाते हैं उनको सुत कहते हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठे हुए थे। लेकिन वहां पर 88,000 ऋषि लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन इस सारे ज्ञान को किसने आहरण किया? कभी ये सुत गोस्वामी ने आहरण किया। बड़ा तीव्र बुद्धि इनकी थी, बड़ी तीव्र बुद्धि इनकी। इसलिए जब श्री उग्र सभा सुत आए, सौनकादि ऋषियों ने इनको प्रणाम किया, इनको आसन दे करके बैठाए, बैठा करके चरण की पूजा की। बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ये जितने वेद पुराण इतिहास को सब कुछ आपने संग्रह किया है, सब कुछ ये शास्त्र सिद्धांत को सिखाए। हाँ देखो यहाँ पर दूसरे शिक्षा देते हैं, जो शास्त्र ग्रंथ है ना, कोई सोचे हम क्या कम लिखाई पढ़ाई किया, अरे हम संस्कृत में एमए किया, हम तो शास्त्री जी है, हमें गुरु गुरु की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ग्रंथ पढ़ लेंगे, हमारे घर में क्या गीता भागवत नहीं, हम गीता भागवत खुद नहीं पढ़ सकते? बोले नहीं, ये जो विद्या है ना ये गुरुमुखी विद्या है। हाँ जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई सीए कर रहा है, कोई डॉक्टरी कोई इंजीनियर कर रहा है, पुस्तक तो उसको पास में होता है, वो अपने आप पढ़ लेता ना, वो ट्यूशन करने के लिए जाता ना कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, वो किसी अच्छे टीचर को पास में जाता है पढ़ने के लिए। जब तुम साधारण पुस्तक तुम्हारी पास में बगैर तुम टीचर के पढ़ नहीं सकते हो, और कहां ये भागवत भक्ति, ये ब्रह्म विद्या है, इसको अपना बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। नियम है किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा से ये ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। जैसे समुद्र मंथन की उससे जहर भी निकला और उसमें अमृत भी निकला। अगर डायरेक्ट कोई ग्रंथ पढ़े बगैर साधु के अनुगत्य में, कहते भैया उसमें जहर ही जहर निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा, वो दो चीज निकलती है। इसलिए एक ही भागवत एक ही गीता, उसमें देखो कितने टीका, देखो अलग अलग टीका, भैया इतना टीका कैसे बन गया? कोई कर्मी कोई ज्ञानी कोई जोगी कोई भोगी, कितने कितने टीका, अलग कहां से टीका आ गई? वो ग्रंथ तो एक ही ग्रंथ, इतने टीका कहां से आ गई? बोले कारण है ये जो ग्रंथ है ना ये कल्प वृक्ष, ये ग्रंथ है जिसकी भावना जैसी हरि मूरत देखी तिनी तैसी। एक ही कृष्ण जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं, जिसकी भावना जैसे वो वैसी देख रहे थे ठाकुर जी को। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं, आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे ग्रंथ पुराण को अपने अध्ययन किया है, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये घोर कलियुग है। ये कलियुग में प्राय करके लोगों का परमायु बहुत कम है, सत्ययुग में 1,00,000 साल रहते थे, त्रेता युग में 10,000 हो गया, और द्वापर युग में 1,000 हो गया, कलियुग में 100 हो गया। जब घोर कलियुग आएगा ना
100 से एक शून्य हटा दो कितना होगा, 100 से एक शून्य हटा दो कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये शास्त्र में वर्णना आती है, लोग इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, बैगन तोड़ने का हिम्मत भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखो पहले लोग को देखो कितने लंबे जोड़े होते थे, अभी धीरे 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 नाटे से होते जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले सब चीज हाइब्रिड से बन रही है, कोई चीज आपको बाजार से लाओ कोई चीज आपको शुद्ध चीज नहीं मिलेगी, पहले हर चीज शुद्ध होता था। और दूसरा चीज, पहले लोग ना ब्रह्मचर्य पालन करते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, ये इंटरनेट टीवी स्मार्टफोन नहीं होता था, इसलिए ये सब के सब ब्रह्मचर्य पालन करने पर शरीर में ताकत आती थी। अभी तो ब्रह्मचर्य कोई है, उल्टा पुल्टा पिक्चर देखोगे, उल्टा पुल्टा स्मार्टफोन में देखोगे, उल्टा पुल्टा देखकर ब्रह्मचर्य क्या पालन करोगे है। इसलिए कलयुग में धीरे 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 परमायु घटती जाएगी, ताकत घटती जाएगी धीरे 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 धीरे। इसलिए कलयुग में और क्या, कलयुग में बोले मंदा सुमंद मतयो, कलयुग का जीव का जो मति देखना स्वाभाविक रूप में गंदे काम में जाएगा, भजन में लगाना तो कोई जोर जबरदस्ती उसको भजन में लगाना पड़ता है, लेकिन मन को देखो स्वाभाविक रूप में गंदे चीज में जाएगी, स्वाभाविक रूप में है। इसलिए बोले मंदा सुमंद मतयो, अत्यंत मंद बुद्धि होगा और झुपद्रुता, बोले झुपद्रुता मतलब जैसे पत्नी अगर सत्संग में आ गई, कथा सुनी, उसको तत्व ज्ञान हुई, अगर सोचे कि थोड़ा माला जप कर भजन करे, पति क्या बोलेगा, बोले किसकी, कौन से साधु के चक्कर में तो पड़ गई, अभी तो गीता भागवत लेकर बैठ जाती हो, तिलक ऐसे कंठी माला किया है सब है। अगर पति अगर कथा सुनने के लिए आए, अगर इनको प्रभु की भक्ति में रुचि हुई, पत्नी बोली कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते हो, काम धाम करना नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा अगर भजन करना शुरू कर दे, बोले ये क्या तेरा उम्र है भजन करने की, अभी से ही सब कंठी माला तिलक क्या है, ये कोई तुम्हारा उम्र है। लेकिन बेटा अगर शराब पीता है ना, जुआ खेलता है, सिगरेट फूंकता है, बोले वेरी गुड, मेरे बच्चा शराब पी रहे, ये उम्र है। लेकिन अगर प्रभु का भजन करे, बोले ये कोई उम्र है पर भजन करने की। इसलिए बोले कलयुग में इतनी उपद्रव, कलयुग में आप कृपा करके बताओ जीव का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न करते हैं, और 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत 6 प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अभी मैं प्रश्न क्या क्या मैं प्रश्न बोलूंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा मैंने क्या क्या प्रश्न किया था, ठीक है ना। 6 प्रश्न क्या क्या जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा। वो बच्चे सब कहाँ गए, कथा सुन रहे कि नहीं, विशेषकर बच्चे लोग ध्यान से सुनो, बड़े बूढ़ों को तो याद नहीं रहेगी, इसलिए बच्चे लोग सब सुनो ध्यान दे करके। हाँ, इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं शांति के लिए, सब कुछ सुख शांति के लिए करते हैं। अगर हमारा घर में बहुत रुपया पैसा, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, वो पैसा की कोई महत्व है। घर में पूरा पुत्र परिवार सब कुछ, बिजनेस बढ़िया, घर में सब कुछ है, लेकिन शांति सुख नहीं, उसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। अगर 2 रोटी में अगर शांति मिलती है वो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जगत में सबसे जो अनमोल वस्तु है शांति और सुख। और जो कुछ करते हैं देखना केवल एक उद्देश्य, संसार में शांति सुख कैसे मिले, इनका ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हर प्रश्न में एक प्रश्न का जुड़ा हुआ है। दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, ये जुड़ी हुई है। मतलब क्या है, जब तक ये जीव भगवान को प्राप्त नहीं करे, भले ही सारा दुनिया तुम इकट्ठे कर लो, तुम्हें शांति सुख नहीं मिलेगी। जब ठाकुर जी तुम्हें मिल जाए तभी पूर्ण शांति पूर्ण सुख तभी मिलेगा। इसलिए कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है, यद्यपि कृष्ण एक हैं, लेकिन रस की विभाग से कृष्ण 3 है और उनका धाम भी 3 है, एक द्वारका धाम, एक मथुरा धाम और एक गोकुल वृंदावन। इसलिए हमें तीनों कृष्ण की कथा सुना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय ठाकुर जी की कथा सुनाओ कृष्ण की तीनों कृष्ण की द्वारकाधीश मथुरेश और वृंदावन कृष्ण की कथा सुनाओ चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं हरि अनंत हरि कथा अनंत उनकी अनेक अवतार है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानुसृजाम्यहम् भगवान युग युग में आकर के प्रभु जी कैसे अपना भक्तों को रक्षा किया रावण को कैसे प्रभु ने रामावतार में मारे नरसिंह अवतार में प्रहलाद को कैसे उभारा मत्स्य अवतार में ठाकुर जी वेद कैसे उद्धार किया कुर्मा अवतार में ठाकुर जी पृथ्वी को कहते श्री मंदराचल पर्वत को धारण की ये भगवान की सब अवतारों की कथा सुनाओ पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस सुनाओ कृष्ण कैसे 7 दिन में पुतना मारे 1 महीना में सकड़ा सोल 3 महीना में त्रिणाम्बर्त 4 साल में अघासुर 5 साल में बकासुर 6 साल में कालिय नाग मंत्र दिया 7 साल में गिरिराज और 10 साल में भगवान कैसे रास रचाए इसलिए भगवान की अद्भुत जस सुनाओ और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए धर्म कलिजुग में कहां आश्रय लिया जब उन्हें 6 प्रश्न की प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए बोले तुमने सुंदर प्रश्न किया जिस उत्तर में केवल हरी चर्चा होगी जिसमें कोई दुनियादारी की चर्चा नहीं बोले सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा बोले बंदाओ गुरु पद पदो मां परागा बंदाओ गुरु पद पद मां परागा बंदाओ गुरु पद पद मां परागा बंदाओ गुरु पद पद मां परागा सोती सुना चरमसा सरस अनुरागा गुरु जी के चरण को प्रणाम की देखो हमारे जो सनातन धर्म है ना ये गुरु जी की भक्ति के ऊपर में भक्ति टिका हुआ है इसलिए भगवान राम भगवान है लेकिन वशिष्ठ जी को उन्होंने गुरु बनाया फिर भगवान कृष्णा जब आए जब वो वृंदावन में थे उनको सांडिल्य के कुल पुरोहित है मथुरा में आए थे गर्गाचार्य जब पढ़ने के लिए गए शांतिपनी गुरु को उन्होंने गुरु बनाया महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उनका गुरु जी श्री ईश्वर परिपाद
जब श्री ईश्वर पूरी पाद से मिले, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमारा, आज गया ना मेरा सार्थक हो गया। बोले क्यों? बोले आज श्री गुरु जी का मैंने दर्शन किया है। बोले हे गुरुदेव, आप कृपा करके भवसागर से मेरे को उद्धार करो, मैंने ये शरीर को आपके चरण में मैंने अर्पण किया है, संसार से हमें उद्धार कर लो। देखो एक समय कोई एक साधु किसी भक्त घर में कथा कर रहा था। कथा करते करते बोला, देखो जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। उसको घर में पिंजरा में एक तोता था। तोता ने कहा, साधु बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों बोलते हो, भगवान का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। बोले झूठ क्या? बोले तू मेरे को देख ले, ये छोटी सी पिंजरा में रहता हूं, जब जब मालिक घर में आता है मैं राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण दिन भर उसको बोलता रहता हूँ, और ये छोटा सा पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं हुई। हाँ तू तो बहुत बड़ी बात कहते हो, भवसागर से पार हो जाएगा, मेरे को इसको विश्वास नहीं। वो तो चक्कर में पड़ गया। बोले तो सही बता रहा है। घर में आया, आकर के उसने ये बात अपना गुरु जी को बताया। बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात है। बोले ठीक है बेटा, कल तुम चलना, तेरे साथ में मैं चलता हूँ। अभी गुरु जी को साथ में लेकर गए। बोले जा तू कथा कर। फिर गुरु जी कथा, जब वो बैठ कर कथा की, भगवान की नाम लेने से जी भवसागर से पार हो जाते हैं। फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर क्यों झूठ बोलते हो? बोले झूठ क्या? गुरु जी ने कहा झूठ क्या है? बोले आप मेरे को देख लो ना, ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, मालिक जब जब आए उसको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी ये छोटे से पिंजरा से मेरी उद्धार नहीं हुई, अब भवसागर तो बहुत बड़ी बात है। गुरु जी ने कहा देख बेटा, इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, चूंकि ये जो नाम है ना तुमने कोई सदगुरु से ग्रहण नहीं किया है। बोले फिर मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर गुरु जी ने उसको कान में ठाकुर जी का मंत्र दे दिया। बोले अभी उद्धार हो जाएगी। बोले कैसे? बोले देख बेटा, जब तक ये पिंजरा में रह करके तुम राम राम राधे राधे बोलोगे ना, मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बताओ गुरु जी क्या करनी चाहिए अब? तो गुरु जी बोले एक काम करना, जब ये कथा की विश्राम होगी तो मरने का बहाना बना करके फिर तेरे अर्थी निकालेंगे, जब अर्थी निकालेंगे ना फिर फर कर लुट जाना। वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिए। अभी कथा जब विश्राम हुई